नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि चल पद्धति के आधार पर यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें से आज एक यंत्र का एक मीटर का अध्ययन करेंगे। कौन से का? मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में परमानेंट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसकी संरचना देखेंगे, उसका कार्य सिद्धांत देखेंगे और उसका डिफ्लेक्शन देखेंगे, उसमें गुण देखेंगे, उसके उपयोग देखेंगे और उसका कार्य सिद्धांत के अनुसार टार्क कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन से टार्क इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं और उपयोग क्या होता है। मेरे कहने का मतलब, एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए यहाँ टोटल रूप से इसको बारीकी से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में इस यंत्र से संबंधित, इस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन छूट न जाए। यदि इसके पढ़ने के बाद आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है, शायद डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे, फिर भी ये कोई होता है, कोई डाउट बच जाता है, आपके मन में कोई शंका हो जाती है, कोई क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बता देना कि सर इस स्टूडेंट के बदले में आपने ये नहीं बताया। वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ बताया या नहीं बताया, तो मैं अगली वीडियो में इसके प्रति आपको कुछ अलग से टिप्स बता दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, चल पद्धति के आधार पर मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए इसको बारीकी से पढ़ने के लिए, मतलब कि बारीकी से अध्ययन करने के लिए, नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि यही मीटर मैंने आपको बताया था, ये जो टॉपिक है अपना, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज बुस्ट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए बिना रुकता नहीं है, अवश्य ही क्वेश्चन आता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अपने नोट्स में ऐड करिए, बिना स्किप किए कंटिन्यू लगातार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, मूविंग पीएमएमसी देखेंगे, पीएमएमसी यंत्र कौन सा होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसके आधार पर आपको बताऊंगा, इसको कहेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, क्या देखेंगे, परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। आज के इस वीडियो में इसको पूरे बारीकी से देखेंगे। अब इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, या फिर आपको ये बताऊंगा कि किसके आधार पर वर्गीकरण होता है, इसको कहेंगे स्थायी चुंबक, क्या कहेंगे, स्थायी चुंबक, चल कुंडली यंत्र, इसको कहेंगे स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र कहेंगे। अब देखो, इसका वर्गीकरण किसके आधार पर होता है, आपसे पूछा जाए चल कुंडली या परमानेंट मैग्नेट यंत्र कौन सा यंत्र होता है, किसके आधार पर ये कार्य करता है, तो ये कह सकते हैं ये यंत्र चल पद्धति के आधार पर होता है, चल पद्धति के आधार पर, मूविंग सिस्टम के आधार पर, मूविंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इस यंत्र का अध्ययन किया जाता है, चल पद्धति के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है, आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। चल पद्धति के आधार पर यंत्र कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, एक तो आपका होगा एमसी, इसको कहेंगे पीएमएमसी, इसको शॉर्टकट फुल रूप कहेंगे पीएमएमसी, मूविंग कॉइल या फिर परमानेंट मूविंग कॉइल यंत्र होता है। एक होता है एमआई, मूविंग आयरन होता है, कौन सा होगा, मूविंग आयरन, दोनों चल पत्ते के आधार पर रहेंगे, ठीक है भाई, दोनों चल पत्ते के। तो आज इसमें इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो इसमें होता क्या, आप पहले देखना नाम के ऊपर आप समझ चुके हो, नाम के आधार से आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, आप लोग यदि गौर से देखोगे और समझोगे तो आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो आ रही है परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक आ रही है, इसका मतलब इस यंत्र में स्थायी चुंबक प्रयोग की जाएगी, कौन सी चुंबक होगी वो तो अध्ययन करूंगा तो बताऊंगा। एक तो आपको ये शब्द नजर आया स्थायी चुंबक, देखो दूसरा नजर आया चल कुंडली, कुंडली को घुमाएंगे इस यंत्र में, क्वाइल को घुमाएंगे, दो चीजें आ गई, स्थायी चुंबक प्रयोग करेंगे और क्वाइल को घुमाएंगे। अब कैसे घुमाएंगे, क्या होगा ये आपको बता देता हूं। देखो चलो सबसे पहले इसके सिद्धांत की बात करते हैं, क्या कहेंगे, सिद्धांत प्रिंसिपल की बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल क्या कहता है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है और संरचना बताऊंगा बाद में आपको, किसकी संरचना कैसी होती है, पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से बताऊंगा, मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होगा, आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप यदि पूरा देख लेते हो एक बार, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ सिद्धांत क्या है, ये करता है डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है,
डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करने वाला है, डीसी मोटर के सिद्धांत पर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डीसी मोटर का सिद्धांत क्या कहता है। डीसी मोटर का सिद्धांत कौन सा है? ऐसे मान लो किसके सिद्धांत पर करेगा, ये करेगा विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको हिंदी में ये कह सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग के सिद्धांत पर कार्य करने वाला होता है। ये इसकी एक विशेषता आ गई। अब आपको ये बताऊं कि डीसी मोटर का सिद्धांत क्या कहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो मेरे डीसी मोटर के चैप्टर को जाकर देखना, मैंने बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवाया है। एक बार देख लोगे आप लोग तो वो कभी भूलने वाले नहीं होंगे। आप लोग एक बार पूरा वीडियो देखकर आप यदि इसको नोट्स में ऐड कर लेते हो तो शायद आप भूल पाओगे इसको। तो देखो क्या कहता है सिद्धांत। यदि किसी धारावाहिक चालक को क्या कह सकते हैं, किसी धारावाहिक चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, समझना, या फिर ये कह सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, दोनों की एक ही बात है, समझ लेना। ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब किसी धारावाहिक चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है, उस चालक पर एक बल कार्य करता है जिसके कारण चालक घूमता है, जिसके कारण चालक घूमने का प्रयत्न करता है, घूमने का प्रयास करता है, जिसके ये कह सकते हैं उस चालक में घुमावल उत्पन्न हो जाता है। इसको कहते हैं डीसी मोटर का सिद्धांत, अर्थात विद्युत चुंबक के खिंचाव का सिद्धांत कहते हैं। लिख लेना इसमें, जब किसी चालक को किसी चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है जो उस चालक को घुमाने का प्रयत्न करता है या घुमाता है, इसे विद्युत चुंबक के खिंचाव का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात डीसी मोटर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं। ये तो था सिद्धांत। काफी बार पूछा गया है कि मूविंग कॉइल यंत्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे समझ में, अब इसके संरचना दिखाता हूं आपको। क्या दिखाएंगे? संरचना, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसके संरचना देखते हैं। संरचना मान लो या बनावट मान लो, एक ही बात है। बनावट कैसी होती है, किस प्रकार का स्वरूप होता है और कैसे इसके अंदर कौन कौन से मतलब कि जो साधन प्रयोग करते हैं, जिसमें इसमें स्पिंडल होगा या कैसे घूमेगा स्पिंडल, उसकी बात कर लेते हैं। आपको दो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं इसमें। देखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो स्थायी चुंबक होगी और एक क्वाइल होगी जिसको घुमाएंगे। मैंने आपको बताया कि जब किसी घूमेगी तो यंत्र घूमेगा और आपको रीडिंग देगा, आपका राशि का मान दर्शाएगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या देखेंगे? इसकी संरचना दिखाता हूँ आप लोगों को, कैसी संरचना होती है इसकी। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप संरचना में देखो इसके मुख्य भाग क्या होते हैं। संरचना में मुख्य भाग होते हैं स्थायी चुंबक होता है, मैंने आपको पहले बताया परमानेंट मैग्नेट होता है। क्या होगा? स्थायी चुंबक होगा। अब देखो स्थायी चुंबक के बाद स्थायी चुंबक कैसा होता है, देखो इसमें स्थायी चुंबक लिखना यू आकार का स्थायी चुंबक होता है। मैंने आपको जब चुंबक का चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था यू शेप मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, यंत्रों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा होता है, हॉर्स शू मैग्नेट याद रखना, घोड़े की नाल आकार का चुंबक प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के चुंबक होगी इसमें, कि परमानेंट मैग्नेट कॉइल यंत्र में किस प्रकार का चुंबक होता है, ये होता है यू आकार का, यू शेप लिखना, यू आकार का चुंबक और घोड़े की नाल आकार का। इसके कह सकते हैं इस यंत्र में घोड़े की नाल आकार का या फिर यू शेप यू आकार का चुंबक प्रयोग किया जाता है, जिसको ये इसको ये किस होता है, एल निको से बना होता है। किसका होता है? एल निको कह सकते हैं इसको, या एल निको से बना होता है ये। अब देखो स्थायी चुंबक की विशेषता इसकी, चुंबक की शक्ति लंबे समय तक विद्यमान होती है, चुंबक की शक्ति को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, इसके पोलों को बदला नहीं जा सकता। ये तो काफी इसकी विशेषता थी जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चुंबक के चैप्टर में, वहां पर आपको नहीं जाना है, सिर्फ आपको यंत्र की बात करनी है। यदि आप इसके पीछे चले जाएंगे तो फिर यंत्र छूट जाएगा अपना, इसके इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन कैसे करेंगे। चलो वो बात है कि स्थायी चुंबक होता है, एल निको से बना होता है, इसको एल निको कह सकते हैं, एल निको कह सकते हैं इसको। अब देखो इस चुंबक का प्रयोग क्यों करते हैं, इस चुंबक का प्रयोग क्यों, यंत्र में इस चुंबक का प्रयोग क्यों करता है, चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, चुंबक ये क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करेंगे? चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट आता है, मैं आपको बताया किसी चुंबक के क्षेत्र में किसी चालक को रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, समझ रही बात को, तो चुंबक के क्षेत्र कौन देगा अपने, ये देगा चालक, कौन देगा, कॉइल देगी, उसको बाद में देखते हैं आपको। अब दूसरा किसको देखेंगे, चलो दूसरे बात करता हूं, चलो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि दूसरे का अध्ययन कुछ ज्यादा लंबा होगा।
दूसरी बात करते हैं मूविंग कॉइल, किसका करेंगे, मूविंग कॉइल की बात करते हैं। ये आपका हो गया मूविंग कॉइल को कहेंगे चल कुंडली, क्या कहेंगे, चल कुंडली का अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले बात देखो, कोई भी कॉइल बनाते हैं किसकी होती है, सुपर इनामिल कॉपर वायर की होती है, सुपर यह लिखना इनामिल कॉपर वायर की होती है, किसके बनाएंगे, सुपर एनामिल कॉपर तार की। सुपर एनामिल क्या, देखो कोई ज्यादा नहीं, सुपर एनामिल एक पॉलिश है, चालक तार के ऊपर पॉलिश होती है, कौन सी कॉल की, सुपर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की पॉलिश होती है, एनामिल इसका नाम है और कॉपर का इसके अंदर तार रहेगा, बस कॉपर के तार पर सुपर एनामिल की पॉलिश कर देते हैं, वो सुपर एनामिल कॉपर वायर इस तार से इसको क्वाइल का बनाएंगे, किसकी बनी होती है, सुपर एनामिल कॉपर वायर की बनी होती है। कैसी होती है ये पूछा जाता है, कहां लपेटी होती है, किस आकार की होती है, ये आपसे काफी बार पूछा जाएगा। कैसी होती है, लिख लो पतले तार की होती है, लिख लो पतले तार व अधिक टर्न की होती है, अधिक टर्न की होती है, ये भी काफी बार पूछा जाता है, कैसी होगी, पतले तार की होगी, अधिक टर्न की। आपको सारी बातें आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट बीच में रह जाए, आपका डाउट बीच में छूट जाए, ऐसा नहीं छोड़ूंगा। कहां लपेटेंगे इसको, लपेटने का साधन देखो, कहां लपेटेंगे, एल्यूमिनियम के फॉर्मर पर, आयताकार एल्यूमिनियम का फॉर्मर, कैसा होगा एल्यूमिनियम का फॉर्मर, रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार, रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार होगा, आयताकार एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के फॉर्मर पर लपेटेंगे, लपेटी जाती है, कहां लपेटेंगे, आयताकार होगा। पूछा जाएगा कुंडली का शेप कैसा होता है, कॉइल का शेप कैसा था, आयताकार कॉइल प्रयोग करते हैं, किसके ऊपर लपेटेंगे, एल्यूमिनियम का फॉर्मर लपेटेंगे। अब एल्यूमिनियम का फॉर्मर कहां होता है, स्पिंडल पर होता है, देखो एल्यूमिनियम, मैं पूरी बात लिखूंगा क्योंकि डायग्राम से भी समझाऊंगा आप लोगों को फिर बाद में। एल्यूमिनियम का फॉर्मर को घुमाने के लिए, घुमाएंगे कॉइल को घूमने के लिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉर्मर को घुमाने के लिए उसे स्पिंडल, स्पिंडल क्या होगा, स्पिंडल धुरा होगा, इसको कहेंगे धुरा, धुरा मतलब कि एक शाफ्ट होती है ऐसी, शाफ्ट किसकी होती है, ज्वेल बेयरिंग पर रखा जाता है, इसको कहेंगे ज्वेल बेयरिंग पर रखा जाता है। एल्यूमिनियम फ्रेम को कहां रखेंगे, रखा जाता है, कहां रखेंगे, स्पिंडल पर रखेंगे, उसको रखेंगे ज्वेल बेयरिंग में रखा जाता है इसको, ये याद रखना। अब आपको डायग्राम से मैं समझाता हूँ, अब आपको डायग्राम दिखाता हूँ दोनों चीजों का डायग्राम, फिर एक एक पॉइंट का वर्गीकरण करवाता हूँ। यह मैंने आपको लिखा है कि कैसी कॉइल होगी, कहाँ लपेटेंगे, किस आकार की होती है, अब आपको इसकी पूरी बातें बताता हूँ। देखो कैसा होगा, यू शेप मैग्नेट आपको दिखाऊंगा और ये कैसा होगा, आयताकार बताया आपको मैंने, कैसा होगा, आयताकार होगा, चलो ये मैं आयताकार बना देता हूँ, ये मैं आयताकार बना देता हूँ, कैसा होगा, आयताकार फॉर्मर होगा, ये होगा यहाँ पे आयताकार फॉर्मर, ऐसा होता है, देखो ये ऐसा होगा आप लोगों का आयताकार फॉर्म, कैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा आयताकार फॉर्मर हो गया। अब देखो इसके ऊपर कैसे लपेटेंगे कॉइल, ये आपकी कॉइल लपेट दी आप लोगों ने, ये आप लोगों ने इसके ऊपर कॉइल लपेट दी सुपर एनामिल कॉपर वायर की, पतले तार की, अधिक टनों की, ये अब आयताकार कॉइल का शेप कैसा हुआ, कॉइल का शेप भी आयताकार हुआ, फॉर्मर कैसा था, आयताकार था, कॉइल का शेप हो आयताकार, ये होगी आपकी कॉइल, ये आपका फॉर्मर है, नाम लिखवा दो इसके, मैं ये क्या है, ये एल्यूमिनियम फॉर्मर है, एल्यूमिनियम फॉर्मर है, ये क्या है, मूविंग कॉइल, ये क्या है, मूविंग कॉइल है, बस इतना। अब आपको और दिखाता हूं आगे धीरे धीरे, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा बन गया है, चलो मिटाने की कोई बात नहीं है, अब आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है इसके ऊपर। ये देखो कहाँ लपेटे, मैंने आपको बताया स्पिंडल पर, चलो ये इसका सेंटर निकाल देता हूँ, ये सेंटर, ये आगे सेंटर, ये क्या होगा इसका धुरा होगा, ये इसका धुरा होगा, धुरा मतलब स्पिंडल होगा, ये इसका स्पिंडल होगा, इसको स्पिंडल को कहाँ लगाएंगे, ये ज्वेल बेयरिंग में लटकाएंगे, ये ज्वेल बेयरिंग हो गया, ये ज्वेल बेयरिंग हो गया, ठीक है, ये आपका ज्वेल बेयरिंग हुआ, स्पिंडल पर लटका दिया इसको,
चलो अब ये फ्री हो गया घूमने के लिए। अब क्या हुआ, फ्री हो गया घूमने के लिए, आराम से इसको घुमा सकते हैं, किसी भी साइड में घुमा सकते हैं, क्योंकि ये बैरिंग लग गए और ये जिसको चूली बोलते हैं, चूला बोलते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर लगा दिए, ये आपका स्पिंडल होगा, नाम लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके करवाऊंगा। ये आपका होगा धूरा, क्या हुआ धूरा, जिसको स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल हो गया, ये ज्वेल बैरिंग हो गई, ये हो गया एल्यूमिनियम का फॉर्मर, ये आपकी कॉइल होगी। अब देखो और क्या होता है इसके अंदर, आपको यहाँ पे दो स्प्रिंग नजर आएंगी, ये आपकी स्प्रिंग नजर आ गई यहाँ पे, और एक स्प्रिंग उल्टी होती है, एक इस प्रकार से दो स्प्रिंग लग गई यहाँ पे, ये क्या होगी स्प्रिंग किसकी होती है, फास्ट प्रोपेलर की, ये आपकी होगी स्प्रिंग, कौन सी स्प्रिंग है, बाल कमानी हेयर स्प्रिंग है, क्योंकि बाल के आकार के होते हैं, बहुत महीन होते हैं, हेयर स्प्रिंग होती है, किसके होते हैं फास्ट प्रोपेलर की होते हैं, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कल की वीडियो में, फास्ट प्रोपेलर की होती है। अब देखो और क्या होता है यहाँ पे, आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, आपका मिलेगा पॉइंटर, ये पॉइंटर होगा आपका, ये पॉइंटर होगा इस धुरे पे लगा होता है पॉइंटर, इस प्रकार की इसके अंदर व्यवस्था आपको डायग्राम समझ समझाऊंगा क्या होता है, समझ गए। अब ये एल्यूमिनियम का फॉर्मर कैसा है, देखो आयताकार है, ये आयताकार लिख लेना, ये आयताकार होता है, ये आयताकार फॉर्मर होता है, बस ये मैंने आपको लिखाया है। अब इसके अंदर देखो एक चीज और होती है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर लगाते हैं इसके अंदर, याद रखना क्या लगाएंगे, एक सॉफ्ट आयरन की कोर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं आपको बताऊंगा, सॉफ्ट आयरन की कोर, ये सॉफ्ट आयरन की कोर यहां इसके बीच में लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं आपको ये भी बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा कि भाई सॉफ्ट आयरन की लोहे की कोर का लगाने का मतलब क्या था। अब एक चीज और देखना, ये जो स्प्रिंग है ना, इन स्प्रिंग में धारा का आदान प्रदान किया जाता है, ये धारा यहां से आएगी और ये धारा यहां से जाएगी, धारा यहां देंगे और स्प्रिंग का संयोजन यहां होगा इस कॉइल के साथ होगा, और यहां स्प्रिंग का संयोजन इस कॉइल के साथ ऐसे होगा, ये बस ये साथ साथ घूमती रहेगी, तो यहां आई इन होगी और ये आई आउट होगी, ये आउट यहां पे आती है, पूरी चीजें मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं इस स्प्रिंग के बारे में। चलो अब एक एक का अध्ययन कर लेते हैं, चलो एक एक का अध्ययन करते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले इस एल्यूमिनियम फॉर्मर की बात करता हूं, नाम लिख लो एल्यूमिनियम फॉर्मर क्या होता है, क्या काम होता है, लिखेंगे एल्यूमिनियम फॉर्मर, एक एक पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक एक पार्ट से, मैं यहाँ पर जितना नाम लिखूंगा सबसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको थोड़ी डिटेल से दिखा दिया और आपका टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, एक एक पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या हुआ एल्यूमिनियम का फॉर्मर, अब इसके ऊपर किसका देखो, एक तो होता है इसके साइज कैसी होती है, आयताकार होता है, काम क्या करता है, मूविंग कॉइल को, मूविंग कॉइल को स्थान प्रदान करता है, बोलो करता है कि नहीं करता, मूविंग कॉइल किस पर लपटी होती है, इसकी स्थान प्रदान करता है, तो मूविंग कॉइल किसके ऊपर लपेटी होती है, एल्यूमिनियम के फॉर्मर पर लपेटी होती है। और क्या करता है देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक मीटर में तीन बल लगते हैं, एक डिफ्लेक्टिंग, एक कंट्रोलिंग, एक डैम्पिंग, डिफ्लेक्टिंग टार्क धारा के प्रभाव के ऊपर निर्भर करती है, कंट्रोलिंग टार्क क्या मैंने आपको बताया, या तो एडी करंट होगा या सिल्क धागा होगा, ठीक है मैंने आपको बताया, या ग्रेविटी कंट्रोल होगा, तो यहाँ देखो कंट्रोलिंग टार्क किसके होते हैं, ये हो गया कंट्रोलिंग टार्क, एल्यूमिनियम का फॉर्मर है, चुंबक के फ्लक्स से घूमेगा, तो ये डैम्पिंग टार्क के लिए क्या करता है, डैम्पिंग टार्क याद करना, इसको कहेंगे अवमंदक बल, अवमंदक बल के लिए भंवर धारा उत्पन्न करता है, करता कि नहीं करता, भंवर धारा उत्पन्न करता है, मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम की डिस्क होगी, ये एल्यूमिनियम घूमता है किसके बीच में घूमेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा, आपको दिखाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा, तो इस एल्यूमिनियम फॉर्मर का कार्य क्या हुआ, कॉइल को स्थान प्रदान करना और अवमंदक बल के लिए भंवर धारा उत्पन्न करना, समझ गए, और इसके बीच में फॉर्मर के बीच में एक सॉफ्ट आयरन की कोर लगी होती है, जिसका भी काम बताऊंगा क्या काम होता है। चलो अगली बात करते हैं इस स्प्रिंग की, स्प्रिंग का कार्य देखो क्या होता है, किसकी बात करेंगे, स्प्रिंग की बात कर लेता हूं, यहां पर लिख दो स्प्रिंग, स्प्रिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, कमानी कहते हैं, जो कि पिछली वीडियो में वर्गीकरण करवा चुका हूं, कमानी का कार्य क्या है, बोलो ये स्प्रिंग क्या कार्य कर रही है, एक तो लिख लो स्प्रिंग का कार्य हुआ कि नियंत्रक बल उत्पन्न करना, स्प्रिंग का कार्य स्प्रिंग कंट्रोल टार्क उत्पन्न करता है, इस स्प्रिंग का कार्य क्या होगा, नियंत्रक बल उत्पन्न करती है, यह क्या करती है, नियंत्रक बल उत्पन्न करती है, या कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करती है, नियंत्रक बल उत्पन्न करती है, नियंत्रक बल उत्पन्न करती है, तो यह क्या कह सकते हैं कि परमानेंट मूविंग कॉइल में कंट्रोलिंग टार्क किसका होता है, काफी बार पूछा जाता है परमानेंट मूविंग कॉइल में नियंत्रक बल किस कौन सा होता है,
स्प्रिंग नियंत्रक बल होता है, तो लिख दो स्प्रिंग नियंत्रक बल होता है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न किया, कंट्रोलिंग टार्क यूज होता है इसमें, यूज होता है किसमें, इस पीएमएमसी मीटर में होता है। ये भी आपसे काफी बार पूछा जाएगा, सारी बातें बताऊंगा। देखो ये डैम्पिंग टार्क कौन सा है, भंवर धारा एडी करंट डैम्पिंग टार्क है, ये आपको मैंने बताया था भंवर, इसमें डैम्पिंग टार्क कौन सा हुआ, एडी करंट डैम्पिंग, पूछ याद रखना एडी करंट डैम्पिंग होता है, और कंट्रोलिंग टार्क कौन सा था, स्प्रिंग द्वारा कंट्रोलिंग टार्क होता है। दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और दोनों ही परीक्षा में काफी बार आ चुकी हैं। एल्यूमिनियम फॉर्म के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, स्प्रिंग का और कार्य क्या होगा यहाँ पे, स्प्रिंग किसकी होती है, फास्ट प्रोपेलेंट की होती है, धारा आदान प्रदान करती है, क्या करेगी धारा यंत्र में, धारा आदान प्रदान करती है, एक इसका मुख्य कार्य है। अब धारा आदान प्रदान करेगी तो इसमें क्या चाहिए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, तभी तो धारा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें धारा आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं मीटर में, इसी अब डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, स्प्रिंग से होता है, तो ऊपर वाले स्प्रिंग। एक चीज और आती है यहाँ पे, एक और होता है यहाँ पे, इसको कहेंगे जीरो एडजस्ट, जीरो एडजस्ट कहते हैं। यदि मीटर जीरो पर नहीं होता है तो यहाँ एक मतलब कि वो स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको जीरो पर एडजस्ट करते हैं, तो कौन सी स्प्रिंग पे होता है, ऊपर वाले स्प्रिंग किससे अटैच होता है, जीरो एडजस्टमेंट, जीरो एडजस्टमेंट लीवर किसके ऊपर अटैच होता है, लिखना ऊपर वाले स्प्रिंग पर जीरो एडजस्टमेंट लीवर अटैच होता है या उसके ऊपर स्थापित होता है, जिससे कि मीटर को शून्य स्थिति पर ला सकते हैं, एक इसमें यह होता है। चलो ये हो गया यहाँ पे, इसका वर्गीकरण हुआ, इसका वर्गीकरण ज्वेल बेयरिंग बच गया, चलो ज्वेल बेयरिंग की बात कर लेते हैं। ज्वेल बेयरिंग क्या करता है, ज्वेल बेयरिंग का मुख्य कार्य क्या है, स्पिंडल का सहारा प्रदान करता है, स्पिंडल को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए सहारा प्रदान करता है, याद रखना ज्वेल बेयरिंग का कार्य क्या रहेगा यंत्र में, स्पिंडल को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए सहारा प्रदान करता है। आगे अब आपको दिखाता हूं सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग क्या होता है, ठीक है। अब क्या रखेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर की बात करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर की बात करते हैं, इसका काम क्या है, नरम लोहे की कोर होती है, नरम लोहे की कोर होती है। देखो अब इसके बारे में लिखा देता हूं आपको, सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में अभी लिखा देता हूं, बाद में क्या लिखेंगे। जैसे कि माना कि आपका यू शेप मैग्नेट है, चलो अब यू शेप मैग्नेट दिखा देता हूं, जैसे आपकी यू शेप मैग्नेट ऐसे बना देता हूं मैं, ये यू शेप मैग्नेट ही आ गई, समझना यू आकार की होगी, होगी ना यू आकार की। अब देखो यहां ऐसे अच्छी होती है, और ये यू शेप मैग्नेट होगी, यहां एन होगा, यहां एस होगा, लेकिन देखो यहां चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स समरूप नहीं होगा, तो यहां क्या करेंगे, इस आकार की यहां इस आकार की यू लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये एक गोल आकार की, और इसके अंदर ये रख देंगे, इसके अंदर क्या रखें, इसके अंदर उठा के ये रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ये पूरा का पूरा यंत्र नहीं है, ये पूरा यंत्र जो स्पिंडल लगा होता है, ये आपका धुरा है, और इस प्रकार से ये होता नहीं है, ये पूरा सिस्टम उठा के रख देंगे। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करती है, देखो तो इसके बारे में सॉफ्ट आयरन कोर का कार्य, सॉफ्ट आयरन क्या करती है, स्थायी चुंबक से वायु अंतराल में, लिख लेना सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में, इसके बारे में स्थायी चुंबक से वायु अंतराल, ये क्या है, यहां से यहां तक का क्या है, एयर गैप है, खुली हवा है, वायु अंतराल में एक समान चुंबकीय फ्लक्स विस्तृत करने के लिए, लिखना एक समान चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, यहां पर ये सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसका कार्य क्या हुआ, इसका कार्य ये हुआ कि स्थायी चुंबक से एयर गैप में पोल्स और मोटर, देखो मोटर में क्या करते हैं, पोल्सू कहते हैं मोटरों में, मशीनों में जो प्रयोग करते हैं उसको पोल्सू कहते हैं, यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। पोल्सू देखा होगा ना, पोल के अग्रभाग होता है, जहाँ एक समान चुंबक फ्लक्स स्थापित करने के लिए, तो सॉफ्ट आयरन कोर होगी, ये क्या करता है, स्थायी चुंबक से एक समान चुंबक फ्लक्स स्थापित करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग किया जाता है। और क्या होगा, कम रिलेक्टेंस का मार्ग होगा, यहाँ से यदि ये नहीं लगाएंगे तो रिलेक्टेंस बढ़ जाएगा यहाँ से इतनी दूर का, तो इससे क्या होगा, रिलेक्टेंस कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, रिलेक्टेंस कम करने के लिए,
इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ कम करने के लिए, रिलेक्टेंस कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं। एक समान चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं, और चुंबकीय लीकेज कम करने के लिए। अगला कहा चुंबकीय लीकेज, लिख लेना, चुंबकीय लीकेज या चुंबकीय क्षरण कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं चुंबकीय लीकेज कम करने के लिए। तीन बातों के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं, जिससे मीटर की दक्षता अच्छी हो जाए और मीटर आसानी से सुचारू रूप से कार्य करता रहे। ये तो थे आपके इसके मुख्य भाग, इसका वर्गीकरण देखा। स्पिंडल क्या होता है? एक शाफ्ट होती है जिसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉर्मर लपेटा होता है। स्प्रिंग आपको बता दी, ये आपका था पूरा सिस्टम। अब इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, इसकी कार्य प्रणाली की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं किसकी बात करेंगे? कार्य प्रणाली की बात करता हूँ, इसकी वर्किंग की बात करता हूँ, कैसे कार्य करता है। अब लिखेंगे इसके बारे में वर्किंग, ये मीटर, ये यंत्र कैसे कार्य करता है, कार्य की दिखाता हूँ। अब कार्य में देखो, आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ किस प्रकार, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि यू शेप मैग्नेट है उसके अंदर रखे, मैं दिखा देता हूँ। ये आपकी मैं एक चुंबक ले लेता हूँ, एन पोल लिया, माना कि ये कैसे है, यू शेप मैग्नेट है या हॉर्स शू मैग्नेट है, घुमा के इसको पीछे से घुमा दिया, इसको पीछे से घुमा दिया। अब इसके बीच में क्या रखेंगे, ये अब बीच के बीच में रखेंगे आपका स्पिंडल। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर होगी, मैंने आपको बताया पहले से, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये सॉफ्ट आयरन कोर होगी आपकी, ये कैसे होगी, सॉफ्ट आयरन कोर होगी यहाँ पे, ऐसे ये होगी आपकी सॉफ्ट आयरन कोर, ये होगी। यहाँ क्या रखेंगे, ये आयताकार आपका फॉर्मर रखा, कौन सा फॉर्मर, आयताकार फॉर्मर रखते आप लोगों ने। अब उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर क्या लपेटा होगा, आप लोग जानते हो उसके ऊपर, जैसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको, वाइंडिंग दिखा दूँ आप लोगों को मैं, ये हो गया आपका आयताकार फॉर्मर। यहाँ इसके ऊपर लपेट जाती है वाइंडिंग आयताकार पे, ये वाइंडिंग होगी आप लोगों की, कॉइल होगी, मूविंग कॉइल, ठीक है। और अब इस दिखाता हूँ, ये आपका धुर्रा हो गया, ये आपका स्पिंडल हुआ, ये हुआ स्पिंडल, ये स्पिंडल मैंने आपको बता दिया, ये स्पिंडल होता है, ये आपका ज्वेल बेयरिंग होते हैं, स्पिंडल जिस पर फ्री घूमता है, और ये आपका हुआ पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर हुआ, और ये फास्ट प्रोपेलर की दो स्प्रिंग लगाई, ये स्प्रिंग लगाई, एक ये उल्टी होती है, एक स्प्रिंग उल्टी होती है, यहाँ से इसको धारा दी, यहाँ से इसको धारा उल्टी प्रदान कर दी, और ये धारा यहाँ से प्रदान की, और ये सिस्टम होता है। अब देखो काम कैसे करता है, आपको दिखाता हूँ। ये धारा अंदर गई और ये धारा बाहर आई, ये दो चुंबक हो गए, ये रिमोट फॉर्मर हो गए, यू एल बेयरिंग हो गए, आपको नाम लिखाने की जरूरत है, आपको पहले लिखवा चुका हूँ, ये एन पोल। अब चुंबकीय फ्लक्स किधर जाएगा, इधर जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि एन और एस है। अब इसमें देखो सबसे पहले देखेंगे वर्किंग में सिद्धांत क्या होता है, वो आपको पीछे बता चुका हूँ। सिद्धांत डीसी मोटर का सिद्धांत क्या होगा, डीसी मोटर का होगा कैसा होगा, विद्युत चुंबकीय खिंचाव होगा, विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत होगा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग के सिद्धांत पर कार्य करेगा। कैसे करेगा, देखो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर मीटर को जब सप्लाई से संचालित करेंगे, जब माना कि इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित हो, चुंबकीय फ्लक्स तो ऑलरेडी है, लिख लेना, जब इसमें वर्किंग में जब मूविंग कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स, एक चुंबकीय फ्लक्स तो ये है, एक चुंबकीय फ्लक्स है, तो क्या कहेंगे, जब मूविंग कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मूविंग कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, क्या होगा, मूविंग कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स और मूविंग कॉइल चुंबकीय फ्लक्स की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण इसमें टार्क उत्पन्न होता है, और स्पिंडल ये एल्युमिनियम का फॉर्मर घूमता है, इस पर बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये तो होगी, ये कैसा होगा, ये सेम डीसी मोटर की भांति होगी, लिखना, ये प्रक्रिया सेम टू सेम डीसी मोटर की भांति होती है। अब उसमें जो टार्क उत्पन्न होता है, इसमें उस टार्क की गणना करेंगे, उस टार्क की गणना करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, टार्क की बात कर लेता हूं, टार्क घुमाव बल, इसका सिद्धांत देख लिया, घुमाव बल की बात करता हूं, जिसको कहेंगे टार्क, ठीक है ना, टार्क की बात करता हूँ, कितना देखें, सेम टू सेम डीसी मोटर की भांति होता है यहाँ पर भी। तो यहाँ अब इसमें जो बल लगेगा, देखो मैंने आपको बताया इस पर बल लगेगा, बल कैसा लगेगा, एफ की बात करता हूँ, बल लगेगा यहाँ पे, फोर्स की बात पहले टार्क की बात करेंगे, पहले बल की बात करेंगे, इसमें इसका चुंबकीय मूविंग कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स और मुख्य चुंबकीय फ्लक्स की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण इसमें इस पर बल कार्य करता है, बल के कारण ये घूमता है, तो किस प्रकार का बल होगा, बल कैसा होगा, बल का फॉर्मूला रहेगा एन बी एल आई, ये होता है,
ठीक है ना, एन बी एल आई न्यूटन में होता है, ये इसका बल होगा। अब एन बी एल आई क्या, देखो ये लिख लो यहाँ पे, एन क्या होगी कॉइल में टर्नों की संख्या, एन बराबर लिख लो मूविंग कॉइल एम सी में टर्नों की संख्या, टर्नों की संख्या रहेगी, एक तो ये बात आती है। दूसरा क्या है, बी बी होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होता है, ये इसकी क्या है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लिख लो इसके बारे में। और क्या बच गया, एल बच गया, एल क्या होगा, एल लंबाई होगी किसकी, मीटर में चालक की लंबाई, मीटर में चालक, यह नहीं स्क्वायर की लंबाई, लिख लो मीटर में चालक की लंबाई होगी। फिर क्या बच गया, आई बच गया मूविंग कॉइल में प्रवाहित धारा, मूविंग कॉइल में प्रवाहित धारा, ये बच गई मूविंग कॉइल में प्रवाहित धारा बच गई। अब देखो चालक की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई होगी, देखो यहां से यहां तक की लंबाई होगी। अब ये तो होगा आपका फॉर्मूला किसका, एफ का। अब घुमावल का फॉर्मूला क्या, टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, आप टार्क का फॉर्मूला डीसी मोटर में पढ़ चुके हूं, टी बराबर क्या होता है, घुमावल बराबर होता है एफ इंटू या आर एफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। टार्क कैसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट बल होता है, देखिए एफ इंटू आर दूरी होती है, एफ इंटू आर होता है। तो इसका मतलब हो गया टार्क बराबर बल, फोर्स का मतलब बल गुणा, बल गुणा दो चीज आते हैं यहाँ पे, देखो एक मेरी बात वो से एक एक पॉइंट ऊपर सुनना, हड़बड़ा मदद करना और समझना, दो चीज आएगी। मीटर में ये आर क्या, देखो आर मीटर में कॉइल का केंद्र ये होगा, ये कॉइल है, ये कॉइल का केंद्र होगा, ये केंद्र बिंदु है, मीटर में कॉइल के केंद्र और स्पिंडल के, मीटर में कॉइल का सेंटर क्या होता है और स्पिंडल का सेंटर, मीटर में कॉइल का सेंटर और स्पिंडल के, ये स्पिंडल इसका सेंटर कौन सा होगा, ये होगा, कॉइल का सेंटर कौन सा होगा, ये होगा, दोनों के बीच की दूरी, यहां से दोनों के बीच की दूरी, ये होगी बीच की दूरी आप लोगों की, मीटर में कॉइल के स्पिंडल और कॉइल के बीच के जो केंद्र होता है उनके बीच की दूरी होती है। तो लिख लो मीटर में कॉइल के केंद्र व स्पिंडल, व स्पिंडल के केंद्र के बीच की दूरी होती है, केंद्र के बीच की दूरी, ये क्या है, माना कि ये आर है, माना कि ये आर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी को किसे आर है, इनके बीच की दूरी को आर से दर्शाते हैं, माना कि आर है, ये बीच की दूरी होगी। चलो अब मैं आगे इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करवाता हूँ, इसका किस प्रकार से आपका क्वेश्चन सामने फेस हो सकते हैं। देखो ये हो गया दूरी और ये हो गया बल, बल का मान ये है, तो मैं यहाँ एक चीज़ और लिख देता हूँ आपके समझ में आए, तो एफ बराबर क्या, एन बराबर टी बराबर, सॉरी टी बराबर एफ का मान है, उसको ये लिख देता हूँ, तो लिख सकता हूँ एन बी एल आई इंटू आर, ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका, इसमें टार्क का फॉर्मूला हो गया, बल लगेगा, बल उसके ऊपर ये आ गया, ठीक है ना, बल उसके ऊपर ही आ गया, बल किसके समानुपाती हो गया। देखो अब पूछा जाए कि मूविंग कॉइल यंत्र में बल किसके समानुपाती होता है, बल टर्नों की संख्या के समानुपाती होता है, बल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के समानुपाती होता है, बल के बीच की दूरी लंबाई के समानुपाती होता है, बल धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, धारा के समानुपाती होता है। अब आपके सामने आ गई, अब देखो इसमें क्या क्या आपको निश्चित है कि जिसको बदल नहीं सकते, क्या टर्नों की संख्या बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। कॉइल में टर्नों के एक संख्या आपने डाल दी, जैसे 20 टर्न लगा दिए तो 20 टर्न ही रहेंगे जब तक यंत्र का चेंज नहीं करोगे तब तक, टर्नों की संख्या नहीं बदल सकते। क्या यंत्र में बीच की दूरी बदल सकते हो, नहीं, स्थिर होने वाली है, ये लंबाई नहीं बदल सकते। फ्लक्स घनत्व, चुंबक का फ्लक्स घनत्व, जैसे माना कि इसमें आपको बताया कि स्थायी चुंबक है, इसका फ्लक्स घनत्व नहीं बदल सकते, जैसे कि माने 20 वेबर फ्लक्स है तो 20 ही रहने वाला है, कुछ समय बाद कम हो जाएगा लेकिन इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो आपका कौन कौन स्थिर हो गया, आपका चुंबक का फ्लक्स घनत्व स्थिर हो गया, कॉइल में टर्नों की संख्या स्थिर होगी, कॉइल में लंबाई स्थिर होगी, होगी ना। अब क्या बच गया आपके सामने, धारा बदल सकते हैं, यहाँ इस धारा का मान परिवर्तित हो सकता है, धारा का मान परिवर्तित हो सकता है, याद रखना बात, ठीक है। तो इसमें क्या बच गया आपके सामने, ठीक है, और इस, अब इसमें ये हुआ तो आप देखो एक बात और आ गई, क्या दूरी बदल सकते हैं, ये नहीं बदल, ये भी स्थिर है, तो बच क्या गया, लिख लो यहां पे एन बी एल आई आर स्थिर है, स्थिरांक है, लिख लो स्थिरांक है या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है,
तो फिर बच क्या गया यहाँ पे, एक ये बच गया आपका, ये बच गया आप लोगों का एक। तो ये क्या बचा है, स्थिरांक को कैसे दर्शाते हैं, टी बराबर स्थिरांक को के से दर्शाते, इसको के से दर्शा देते, के इंटू आई, के इंटू आई बच गया। अब देखो ये तो आपका होगा स्थिरांक, तो इसको स्थिरांक को कैंसिल करते क्या लिखेंगे, टी समानुपाती आई, क्या बच गया, टी समानुपाती आई बच गया, समझना बात को। अब आई मतलब ये हो गया कि इस यंत्र में कौन से में, पी एम एम सी में, पी एम एम सी में टार्क किसके समानुपाती होता है, काफी बार प्रश्न पूछा गया आप लोगों से, काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि पी एम एम सी मूविंग कॉइल एमसी यंत्र में, एमसी यंत्र में, एमसी इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में टार्क किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, लिख लेना, टार्क धारा के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। कौन सा टार्क है, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है, सुई ये क्या करेगा, ये सुई को घुमाएगा, पॉइंटर को घुमाएगा आगे, पैमाने पर घुमाएगा, यहाँ पे इसको पैमाने पर घुमाएगा। धारा के सीधे समानुपाती होने के कारण लिख लेना धारा, ये किस में है, देखो ये न्यूटन मीटर में आएगा, ये टार्क किस में आएगा, न्यूटन मीटर में, मैंने आपको लिखाना भूल गया, यहाँ न्यूटन मीटर में और ये न्यूटन में आता है, लिख लेना। टार्क धारा के समानुपाती होने के कारण एक विशेषता आ गई, इसका समाना, इसका पैमाना समानुपातिक होता है, इस यंत्र में टार्क धारा के समानुपाती होने के कारण, ठीक है ना, टार्क धारा के समानुपाती होने के कारण इसका यंत्र, इस यंत्र का पैमाना, पैमाना लिख लो, पैमाना कैसा होता है, पैमाना लिख लो यहां पे, रेखीय होता है, लीनियरली होता है, रेखीय होता है या अनुपातिक होता है, अनुपातिक कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, क्योंकि समान भागों में विभाजित, अपनी देशी भाषा में कहे तो समान भागों में विभाजित होता है, बिल्कुल समान रहेगा आपका पूरा पैमाना। ये तो इसकी कार्य प्रणाली थी। चलो आगे इसके कुछ और विशेष मुख्य पॉइंटों की बात करते हैं, आगे इसमें कुछ और विशेष पॉइंटों की बात करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए कुछ टिपिकली पॉइंट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उनकी बात करता हूँ जो एग्जाम में आ भी चुके हैं, लगभग देखा जाए तो उनको, यदि पर्सन पेपर यदि कुछ हार्ड होता है तो यहाँ कुछ विशेष बातें पूछे जाते हैं जिनका पढ़ना अनिवार्य है और जो आपको मिलना मुश्किल है, आप यदि किसी बुक्स में आप सर्च करोगे तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को मैं। देखो इसमें क्या और विशेषता है इसके अंदर, इसमें क्या विशेषता है इसके अंदर उसकी बात कर लेता हूँ। देखो हम यहाँ पे सबसे पहले आता है एफ एस डी, याद करना सबसे पहले आता है एफ एस डी क्या होता है, इसमें एफ एस डी का मान कितना होता है, एफ एस डी क्या कहेंगे, एफ एस डी का मतलब, एफ एस डी को कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहेंगे, या फिर ये कह सकते हैं एफ एस डी को कि ये होता क्या, देखो जब मूविंग ये होता क्या, फुल मतलब जैसे आपका पैमाना यहाँ पे, आपको समझा देता हूँ, पैमाना आपका यहाँ पे है, ये आपका पैमाना मान लेता हूँ, ये इस यंत्र का पैमाना यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ जब पॉइंटर आपका उठ के आएगा यहाँ पे, पॉइंटर आएगा उठ के यहाँ पे, तो पूरी स्केल यहाँ पे आ गई, तो अधिकतम धारा जब भी प्रवाहित होगी, अधिकतम धारा प्रवाहित हो जब यंत्र में मूविंग कॉइल में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर आता है, इसको कहते हैं एफ एस डी फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कि इसका विक्षेप कहाँ पे होता है, पूर्ण पैमाने पे विक्षेप होता है जब कॉइल में, लिख लो इसके बारे में, मैं लिखवा देता हूँ इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, कि जब मूविंग कॉइल में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है तो यंत्र में पूर्ण पैमाना विक्षेप होता है, पूर्ण पैमाना अधिकतम धारा पे ये सुई या ये आपका पैमाना यहाँ पे आता है, इतना ही पैमाना बनाते हैं इसका, इसलिए एफ एस डी का मान होता है, कि इसमें एफ एस डी होता है कि जब मूविंग कॉइल में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है तो यंत्र में पूर्ण पैमाना विक्षेप होता है। एक होता है मीटर की सुग्राहिता, एक और आता है मीटर की सुग्राहिता, मीटर की सेंसिटिविटी, मीटर की सेंसिटिविटी आती है, इसको कहते हैं मापक मापी सुग्राहिता, मापी सुग्राहिता, इससे कनेक्शन होता है दोनों का, आपस में कनेक्शन होता है। मापी सुग्राहिता क्या होती है, देखो मापी सुग्राहिता की बात यदि मैं बात करूं तो लिख सकते हैं ये किसी यंत्र की महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ये किसी भी प्रकार के यंत्र का, मापी सुग्राहिता सबके यंत्र की होती है, महत्वपूर्ण एक विशेषता होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, कि एफ एस डी के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए एफ एस डी, देखिए एफ एस डी यहाँ आएगी पूर्ण पैमाना विक्षेप होगा, इसके लिए आवश्यक धारा कितनी होगी, आवश्यक धारा की मात्रा कितनी होगी, इसलिए कहते हैं एफ एस डी के लिए आवश्यक धारा की आवश्यक मात्रा होती है, इसको क्या कह सकते हैं, ये पूर्ण सुग्राहिता की एफ एस डी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए धारा की मात्रा की
धारा की आवश्यक मात्रा, धारा की आवश्यक मात्रा होती है, कितनी धारा पर यह फुल डिफ्लेक्शन कर सकता है इस मीटर में। बहुत बिल्कुल इसके सुकरात तो बहुत कम से कम होते हैं, कितनी कि 5 माइक्रो एम्पियर पर भी इसको यहाँ फुल डिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, 5 माइक्रो एम्पियर तक या 75 माइक्रो एम्पियर पर इसकी फुल डिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। इसलिए इसकी सुकराहिता का मान कितना, सेंसिटिविटी का मान कितना होता है, लिख लो 5 माइक्रो एम्पियर से 75 माइक्रो एम्पियर तक होता है। ये काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना होती है कि पीएमएमसी मीटर में सेंसिटिविटी का मान कितना होता है, सेंसिटिविटी का मान कितना होता है, मीटर की सुकराहिता कितनी होती है, 5 माइक्रो, मतलब कि कह सकते हैं कि 5 माइक्रो एम्पियर पर इसको पूरी पूरी विक्षेप करवा सकते हैं, 5 माइक्रो एम्पियर पर इसका पूरा विक्षेप करवा सकते हैं, इतनी सुकराहिता होती है। इसलिए इस मीटर को क्या कह सकते हैं, इस यंत्र को क्या कह सकते हैं, आप देखोगे आपको बहुत शानदार चीज़ मिलने वाली है। नोट लगा के लिख लो, 2-4 बातें हो रहे हैं। इसलिए इस यंत्र को कह सकते हैं कि ये डी आर सनोल कहते हैं, डी आर सनोल यंत्र कहते हैं इसको, यंत्र भी कह सकते हैं इसको, डी आर सनोल यंत्र भी कह सकते हैं इसको। एक तो विशेषता आती है, चलो इसमें विशेषता की बात करता हूँ, इसमें और क्या क्या विशेषता होते हैं, ये केवल लिख लो, ये केवल डीसी पर ही प्रयोग होता है। पीएमएमसी यंत्र या मूविंग कॉइल यंत्र किस पे होता है, केवल डीसी पर प्रयोग होता है। ये अधिकतर किस में प्रयोग करते हैं, इसका इसका एमिटर के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका अधिकतर लिख रहा हूँ, अधिकतर एमीटर व वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं, रूप में यूज किया जाता है इसका, अधिकतर वोल्ट मीटर व एम्पियर मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, बहुत सुकराहिता बहुत कम होती है, 0.5 मानी 5 माइक्रो एम्पियर तक नाप सकते हैं फुल डिफ्लेक्शन प्रेशर को, जिसकी सेंसिटिविटी होती है। और ये कह सकते हैं ये यंत्र मतलब कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को सीधे नाप सकता है, एक सबसे बड़ी शर्त, बाकी कोई यंत्र नहीं नापता। ये यंत्र लिख लो, ये मिली एम्पियर व माइक्रो एम्पियर को सीधे ही नाप सकता है, सीधे ही नाप मापता है ये, और बाकी कोई नापता है, सीधे ही माप देता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर या 5 माइक्रो एम्पियर तक तो फुल डिफ्लेक्शन पर नाप सकता है, इतना इसका पैमाना अनुपातिक होता है, देखो ठीक है। इसलिए इस यंत्र को क्या कह सकते हैं, इसकी डी एसनोल यंत्र कह सकते हैं, या फिर इसको एक गैल्वेनोमीटर के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इतनी माइक्रो एम्पियर धारा नाप लेता तो गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन नाम तो उसका एमसी या मूविंग कॉइल एमीटर या वोल्टमीटर होता है, लेकिन यदि पूछा जाए कि इसको किस प्रकार के यंत्र है, गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं, इतना इतनी सुकराहिता होती है इसकी, बिल्कुल बारीकी से इसको, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, ये भी दर्शा सकता है उपस्थिति, ठीक है ना। अब कहेंगे सर 5 माइक्रो एम्पियर नापता है तो क्या उच्च धारा नहीं नाप सकते, क्या इसको वोल्टमीटर नहीं बना सकते, धारा के नाम ले रहे हैं सब कुछ, धारा की बात कर रहे हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, लिख लो उच्च धारा नापने के लिए, उच्च धारा लिख लो मापने के लिए संट रेजिस्टेंस होता है, संट रेजिस्टेंस होता है, संट रेजिस्टेंस इसके समानांतर में संयोजित किया जाता है, समानांतर में संयोजित किया जाता है, लिख लो इसके बारे में। यदि उचित मान की धारणा अपनी है तो इसके समानांतर में, इस कुंडली के समानांतर में एक संट रेजिस्टेंस लगा दो, कितने मान का लगाओ आपकी धारणा, आपको संट रेजिस्टेंस का मान निकालना सिखाऊंगा, एक दो वीडियो बाद में आएगा ये। अब इसको यदि वोल्ट मीटर बनाना हो तो क्या करोगे, लिख लो वोल्ट मीटर बनाने के लिए इस यंत्र के श्रेणी क्रम में एक मल्टीप्लायर संयोजित कर दिया जाता है, जिसको वर्धक बोलते हैं, लिखना इस यंत्र को वोल्ट मीटर बनाने के लिए, वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करने के लिए इस यंत्र के श्रेणी क्रम में एक मल्टीप्लायर, जिसको वर्धक बोल सकते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। ये तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब इसके गुण लिख लो, गुण कहाँ, इसका गुण क्या होते हैं, इसमें टार्क स्मूथ होता है, गुण लिख लो इसमें, और कुछ नहीं, बस ज्यादा नहीं बचा, 2-4 लाइन और बची हैं। गुणों की यदि बात की जाए, टार्क स्मूथ होता है, टार्क क्या होगा, स्मूथ होगा, एक गुण इसका ही आता है। अब ये डीसी पर प्रयोग करते हैं, इसका गुण मान लो, या फिर इसको कह सकते हैं कि अवगुण हो सकता है, आपकी मर्जी, इसकी एक विशेषता होती है कि ओनली सिर्फ डीसी पर ही प्रयोग होगा। इसलिए इस यंत्र को पीछे घुमा के देखोगे तो इसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं, जो पॉइंटर होते हैं, उनको प्लस माइनस लिखा मिलेगा आप लोगों को, इसके भी रीजन बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, पावर लॉस कम होती है, पावर लॉस निम्न होती है, और लिख लो हिस्टेरेसिस हानि
हिटेरेसिस हानि निम्न होती है, एक ये बड़ी बात आती है, और क्या इसके गुण हो सकते हैं? पैमाना अनुपातिक समरूप होता है, लिख लो, इसके पैमाना समरूप होता है, अनुपातिक होता है, या फिर रेखीय होता है, लिख लो, पैमाना रेखीय होता है। इसके पैमाना कितने डिग्री पे होता है? 270 डिग्री में विभाजित होता है, 270 डिग्री पैमाना होता है इसका, ठीक है ना? इसका पैमाना 270 डिग्री तक फैला होता है, विस्तृत होता है 270 डिग्री, पर यहाँ से ये पूरा 360 डिग्री का आता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पैमाना इसको विस्तृत होता है, 270 डिग्री तक विस्तृत होता है इसका पैमाना। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी, इसको किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, लिख लो, इसको किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, या फिर इसको वर्टिकल स्थिति में प्रयोग, मतलब ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं, क्षैतिज अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एडी करंट कंट्रोलिंग, एडी करंट अवमंदक बल है और स्प्रिंग कंट्रोल इसमें के अंदर, समझ गए बात को? लेकिन एक याद रखना, ये केवल डीसी पर कार्य करता है, इसका अवगुण ही होता है, लेकिन एक याद रखना, स्थायी चुंबक होती है, स्थायी चुंबक की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, तो स्थायी चुंबक होने के कारण इसमें त्रुटियां होने की संभावना होती है, क्योंकि चुंबक के फ्लक्स कमजोर हो जाएगा, ये बी का मान कमजोर होगा तो फ्लक्स का मान घटेगा, फ्लक्स का मान घटेगा तो पहले 5 एम्पीयर नाप रहा था, धीरे धीरे इसमें 5 एम्पीयर से भी उसकी सक्रियता मतलब कि बढ़ जाएगी, ठीक है ना? ये हो सकता है, तो इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग के कारण इसमें त्रुटियां संभव हो सकती हैं, कुछ दिनों बाद में, कुछ समय बाद में त्रुटियां हो सकती हैं इसके अंदर। अब यदि आपसे पूछा जाए इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित करवा रहे हैं और ये इस प्रकार सही दौड़ रहा है, मान रहा है, या विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित करवा दी जाए तो क्या होगा? पूछा जाए यदि इस यंत्र में, इस यंत्र को उल्टा संयोजित कर दिया जाए या उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित, लिख लेना, इस यंत्र में उल्टी धारा प्रवाहित करने पर इसका पॉइंटर शून्य की तरफ विक्षेप करेगा, याद रखना, इसका यदि उल्टी दिशा, उल्टी धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इस यंत्र का पैमाना जो ये संकेतक है, ये आता ना जीरो जीरो, ये जीरो आता है, जीरो की तरफ विक्षेप करेगा, जीरो की तरफ विक्षेप होता है, एक याद रखना। अब यदि इसमें एसी लगा दी जाए तो ये यंत्र जीरो पर, यहाँ जीरो पर वाइब्रेशन करता रहेगा, बस ये लिखना, इस यंत्र में एसी लगा दी जाए तो जीरो पर वाइब्रेशन करता रहेगा और कुछ समय बाद जल जाएगा, लेकिन सबसे पहले जलेगा नहीं। इस यंत्र में यदि एसी प्रवाहित कर दी जाए तो संकेतक शून्य शून्य पर हिलता रहेगा, आपको मान नहीं देगा, और टार्क क्यों? क्योंकि टार्क इसका टार्क एसी लगाते टार्क शून्य हो जाएगा, इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क शून्य हो जाएगा और शून्य पर आके इस यंत्र का पैमाना वाइब्रेशन करता रहेगा, कभी इधर करता रहेगा, लेकिन रीडिंग देने वाला नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि यदि गलत संयोजन हो चुके हैं तो शून्य की तरफ विक्षेप करेगा, एसी लगा चुके हो तो वाइब्रेशन करता रहेगा, जीरो पर पड़ा पड़ा वाइब्रेशन करता रहेगा ये, लेकिन आपको रीडिंग देने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये तो था आपका कौन सा पीएमएमसी मीटर या एमसी मीटर बोल सकते हैं, मूविंग कॉयल परमानेंट मूविंग कॉयल यंत्र होता है। इसमें आपको यदि किसी प्रकार की अब यदि कोई समस्या जनरेट होती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं या आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, यदि आता है तो वो बताना कि सर समझ में आ चुका है, यदि कुछ त्रुटि हुई है या आपको मैं नहीं बता पाया, आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज बचा है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है दोस्तों कमेंट जरूर कर दो, क्या जाता है दो लाइन लिखने में कि सर हमें समझ में आ गया, लेकिन आप कमेंट्स करने में कंजूसी कर लेते हो, कमेंट्स भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्या जाता है क्लिक मारना है, कुछ नहीं लगता आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने सीखा है, आप लोगों को समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो कमेंट्स करने में और लाइक करने में क्या जाता है, तो कमेंट्स करना और लाइक करना नहीं भूलें। और यदि जो दो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो डांडे इलेक्ट्रिक स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे नियमित पैटर्न के आधार पर इलेक्ट्रिक थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करवाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।